हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और मैं उम्मीद करती हूं कि आप और आपकी फैमिली सभी लोग स्वस्थ होंगे सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक इंट्रोडक्शन ठीक है उस उसपे आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं मैंने 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज बनाई है जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारे ही सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है ही इस इन क्वेश्चन से क्या होगा कि उनके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे प्लस जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अकाउंट्स की जॉब की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वन थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये जो एमसीक्यूज होंगे हम इनको एक टेस्ट की तरह सॉल्व करेंगे मैं तो इनका सॉल्यूशन बताऊंगी ही साथ में आप भी वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लेक्चर ओवर होने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए राइट right? और ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ना इसको मैंने वीडियोस में डिवाइड किया है मतलब हर लेक्चर में हम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एक्चुअली मुझे बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अकाउंट्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर एमसीक्यूज बनाऊं तो इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है ठीक ठीक है, है? ये आपके लिए useful होगी, चलिए, अच्छा मैं lecture स्टार्ट करने से एम बी ए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जिसमें मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल तो इन लेक्चर वीडियोस की मदद से पढ़ना शुरू करिए इसका फायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा राइट आ, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है और आप भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ट्रांजेक्शन बुक ऑफ अकाउंट में हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वो ट्रांजेक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म पैसे के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उनको हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं ठीक है तो अब देखते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसको हम पैसे के टर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं सबसे पहला क्या है सेल ऑफ गुड सेल ऑफ गुड ये तो हम पैसे के टर्म में मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं गुड्स कंपनी ने कितने के सेल किए हैं अगर कंपनी ने पेमेंट की है सैलरी की अगर कोई गुड्स परचेस किए हैं तो हम इन तीनों को ही मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक है बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ क्या है क्वालिटी ऑफ स्टाफ जो स्टाफ है जो इंप्लॉइज है उनकी क्वालिटी क्या है क्या हम ये मॉनिटरी सकते हैं नहीं हम इसको टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इसलिए इसे बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा ठीक है तो हमारा आंसर क्या है हमारा आंसर आ गया सी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद बुक कीपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं तो मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इन दोनों में डिफरेंस है ठीक है मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ठीक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन पे मैंने वीडियो बनाया है ठीक है तो वहां मैंने डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग अलग है अकाउंटिंग दे इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या डिफरेंस है जो बुक कीपिंग होती है ठीक है उसमें हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना मैं इनिशियल्स लिख रही हूँ आइडेंटिफाई करना रिकॉर्ड करना एंड क्लासीफाई करना ठीक है बुक कीपिंग में क्या करते हैं हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पहचानना कि किन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और उनको रिकॉर्ड करना और उनको क्लासिफाई करना इतना काम करते हैं बुक कीपिंग में जबकि अकाउंटिंग में क्या करते हैं अकाउंटिंग में ये काम तो किया ही जाएगा रिकॉर्ड करना क्लासिफाई करना ये तो किया ही जाएगा इसके साथ फाइनेंशियल स्टेट स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना एनालाइज करना और फाइनली कम्युनिकेट करना ये सारे काम होते हैं अकाउंटिंग में ठीक है अकाउंटिंग और कह लीजिए एडवांस फॉर्म है बुक कीपिंग का ठीक है तो बुक कीपिंग में हम केवल रिकॉर्ड करते हैं ठीक है ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं तो इसमें कहा गया है कि बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद बुक कीपिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं तो पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन दूसरा है डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर और चौथा है ऑल ऑफ द ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया बुक कीपिंग में हम केवल ये पहला काम करते हैं बुक कीपिंग में केवल हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ठीक है जो भी बिजनेस ऑपरेशन है उनको केवल रिकॉर्ड करते हैं तो दिस आंसर क्या होगा फर्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या है वॉट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग है उसका लास्ट स्टेप कौन सा है तो मैंने आपको बताया था सेवन स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में सात स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में इसमें पूछा गया है आखिरी स्टेप कौन सा है तो चलिए देखते हैं एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं सेवन स्टेप कौन कौन से मैंने आपको बताए थे सबसे पहला क्या स्टेप होता है सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस में उनको आइडेंटिफाई करना कि किन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे ठीक है? दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा होता है, वो जो को किया जाता है This is the third step. Fourth step क्या होता है? Classifying. Classify में क्या किया जाता है? हम एक टाइप के ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं दूसरे टाइप के ट्रांजेक्शन को दूसरे बुक में रिकॉर्ड करते हैं दिस इज क्लासिफाइंग स्टेप क्या होता है स्टेप होता है समराइजिंग समरी बनाते हैं हम पीएल अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं ठीक है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ठीक है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस उसके बाद उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद सेवेंथ स्टेप क्या होता है सेवेंथ स्टेप मैंने बताया था याद करिए क्या था सेवेंथ स्टेप कम्युनिकेटिंग अब आखिरी स्टेप में फाइनली कम्युनिकेट किया जाता है जो भी बैलेंस शीट जो भी पीएल अकाउंट बनाया है अब उसे हम टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे ठीक है टॉप मैनेजमेंट को और जो दूसरी पार्टीज है उनको कम्युनिकेट करेंगे तो दिस इज द लास्ट स्टेप अकाउंटिंग का आखिरी स्टेप क्या है कम्युनिकेटिंग देखते हैं इसमें दिया है कहां पे सबसे पहला दिया है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगला है कम्युनिकेशन अगला है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ठीक है तो आखिरी स्टेप क्या हुआ आखिरी स्टेप हुआ कम्युनिकेशन ठीक है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दिस इज द लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस ठीक है समझ में आया चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका बेसिक फंक्शन क्या है ठीक है तो याद रखिए वैसे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सातों चीजें होती हैं अभी जो मैंने आपको सातों चीजें बताई आइडेंटिफाई करना मेजर करना रिकॉर्ड करना क्लासिफाई करना समराइज करना इंटरप्रेट करना एंड फाइनली कम्युनिकेट करना ये सेवन स्टेप होते हैं अकाउंटिंग में ठीक है लेकिन सबसे बेसिक स्टेप पता है क्या होता है रिकॉर्डिंग जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना दिस इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है वैसे तो डेटा इंटरप्रेट भी किया जाता है जिससे टॉप मैनेजमेंट को हेल्प होती है ठीक है, है ये भी फंक्शन है बट मोस्ट बेसिक फंक्शन इज ए ये जो ए है ये मोस्ट बेसिक फंक्शन है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन ठीक है सो आंसर इज ए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन टू लेजर अकाउंट फ्रॉम जो ट्रांजेक्शन है इनको पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट में फ्रॉम कहां से ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उनको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में जर्नल क्या होता है जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं ठीक है जर्नल में रिकॉर्ड किए गए उसके बाद ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है कहा पोस्ट किया जाता है लेजर में ठीक है लेजर इज कॉल्ड द सेकेंडरी बुक लेजर को कहा जाता है ये सेकेंडरी बुक है जर्नल को कहा क्या कहा जाता है ये प्राइमरी बुक है सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कहा पे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में और उसके बाद उन ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग की जाती है कहां पर लेजर में ठीक है तो क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है लेजर में फ्रॉम कहां से पोस्ट किया जाता है तो ऑप्शन है वाउचर से किया जाता है बैंक स्टेटमेंट से किया जाता है जर्नल से किया जाता है कि नन ऑफ दीज से किया जाता है तो अब तो आपको आंसर मिल गया जर्नल से किया जाता है ठीक है ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग जो होती है वो कहां से की जाती है जर्नल से की जाती है ठीक है तो आंसर इज बी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है ठीक है तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटिंग टू फिफ्टी थाउजेंड एक कंपनी है उसने रीसेल के पर्पज से गुड्स परचेज किए हैं पचास हजार के ठीक है दूसरा क्या है सैलरी पे की है वेजेस पे की है दस हजार की तीसरा क्या है ऑफिस का रेंट पे किया है प्रेमाइसिस का रेंट पे किया है पांच हजार ठीक है चौथा ऑप्शन क्या है परचेज एल सी डी फॉर पर्सनल यूज तो आपको बताना है कि इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है तो आप देखेंगे जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड है ये किससे रिलेटेड है ये बिजनेस से रिलेटेड है ठीक है यहाँ पे रेंट पे किया जा रहा है यहाँ सैलरी पे की जा रही है यहाँ पे गुड्स रीसेल के पर्पज से खरीदे गए हैं ठीक है तो ये तीनों क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन है लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए अगर एल खरीदी गई है तो इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है ये क्या है पर्सनल ट्रांजेक्शन है पर्सनल ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना ठीक है तो आंसर यहाँ पे क्या होगा फोर्थ, ऑफ़ फॉर पर्सनल यूज अगर किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए एलसीडी खरीदी है तो इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन वो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है इसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे ठीक so है सो द आंसर इज फोर्थ चलिए डी है आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनमें से कौन इंटरनल यूजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो मैंने आपको बताया था कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है इसके दो टाइप के यूजर्स होते हैं ठीक है, है एक होते हैं इंटरनल यूजर एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं एक होते हैं इंटरनल यूजर एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर इंटरनल यूजर यानी कंपनी के अंदर के लोग ठीक है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जैसे मैनेजर्स हैं जैसे इंप्लॉई हैं ठीक है कंपनी के अंदर के लोग जो होते हैं दैट इज इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर यानी कंपनी के बाहर के लोग जैसे क्रेडिटर्स हुए लेंडर्स हुए ठीक है गवर्नमेंट हुई शेयर होल्डर हुए ठीक है बैंक्स हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए, हुए ये लोग बाहर की पार्टीज हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन से इंटरनल यूजर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल यूजर है मैनेजर इंटरनल यूजर है एम्प्लॉय इंटरनल यूजर है ये जो लेंडर है लेंडर यानी जिसने कंपनी को उधार दिया है या जिसको कह सकते हैं क्रेडिटर है ये क्या है इंटरनल यूजर नहीं ये एक्सटर्नल यूजर है ये बाहर की पार्टीज हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं ये जानना चाहते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ठीक है तो आंसर क्या होगा आंसर होगा डी ठीक है ये जो क्रेडिटर्स हैं या जो लेंडर्स हैं ये क्या है एक्सटर्नल यूजर हैं ये इंटरनल यूजर नहीं है ठीक है यहां तक समझ में आए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अ पर्सन हु ओज मनी अगेन्ट सेल ऑफ गुड्स टू अ फर्म इज नोन एज यानी वो पर्सन क्वेश्चन क्या है अ पर्सन हु पर्सन जिस पर पैसा बकाया है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स यानी फर्म ने कुछ गुड्स सेल किए हैं ठीक है ठीके? और अब कोई पर्सन है जिस पर पैसा बकाया है तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं ऐसे पर्सन को क्या क्रेडिटर कहते हैं या डेटर कहते हैं या बोथ कहते हैं दोनों ही कहते हैं या नन ऑफ ठीक है क्वेश्चन सेवन में आया द पर्सन हु ओज मनी यानी वो पर्सन जिसपे पैसा बकाया है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स टू अ फर्म फर्म ने कुछ गुड्स सेल किए हैं ठीक है ठीके? और वो पर्सन जिसपे पैसा बकाया है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है डेटर डेटर मतलब क्या होता है जिससे पैसा मिलने वाला है जिसको क्रेडिट पे सेलिंग की गई है डेटर कौन होता है डेटर मतलब जिसको क्रेडिट पे उधार पे सेलिंग की गई है और जिससे पैसा रिसीव होगा जिस पे पैसा बकाया है कंपनी का उसको कहा जाता है क्रेडिटर ठीक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आंसर ओ सॉरी क्रेडिटर नहीं डेटर ठीक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा डेटर डेटर कौन होता है डेटर वो पर्सन होता है जिस पे पैसा बकाया है ऑर्गेनाइजेशन का ठीक है उसको शायद कुछ क्रेडिट पे सेलिंग की गई है और उस पे पैसा बकाया है और उससे पैसा रिसीव होना है तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है ऐसे पर्सन या फर्म को कहा जाता है डेटर ठीक है डेटर और क्रेडिटर में कंफ्यूज एकदम मत होइएगा क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा देना है डेटर मतलब जिससे पैसा रिसीव होना है ठीक है समझ में आया डेटर मतलब जिससे पैसा रिसीव होना है creditor मतलब शायद उससे creditor से हमने परचेजिंग की है creditor से हमने रॉ मटेरियल खरीदा है अब उसको हमें पैसा देना है ठीक है तो वो होगा creditor ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अ पर्सन टू हुम मनी इज ओन्ड बाय अ फर्म अगेंस्ट परचेस ऑफ गुड्स यानी अगला क्वेश्चन क्या है वो पर्सन टू हुम मनी इज ओन्ड यानी वो पर्सन जिसपे पे मनी बकाया है किसका बकाया है फर्म का पैसा बकाया है. मतलब फर्म को पैसे देने हैं अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स जो फर्म है उसने कुछ गुड्स परचेज किए हैं ठीक है ठीके? किसी पर्सन से गुड परचेज किए हैं और अब उसको पैसा देना बचा हुआ है बकाया है ठीक है तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है ऐसे पर्सन को कहा जाता है क्रेडिटर ठीक है डेटर और क्रेडिटर में एकदम कंफ्यूज मत होइएगा डेटर मतलब डेटर मतलब जिसको जिससे हमें पैसा रिसीव होना है क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा हमें देना है उसको कहा जाता है क्रेडिटर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बिकॉज ऑफ जो लाइबिलिटी है वो क्यों अराइज करती है जो लाइबिलिटी है वो क्यों अराइज करती है कैश ट्रांजेक्शन की वजह से क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों की वजह से या नन ऑफ द ठीक है तो सबसे पहले तो समझते हैं लाइबिलिटी होती क्या है लाइबिलिटी क्या होती है लाइबिलिटी मतलब अमाउंट पेबल यानी जहां पे भी हमें पेमेंट करना है ठीक है दैट इज लाइबिलिटी वो माई लाइबिलिटी है ठीक है तो लाइबिलिटी अगर हमने कैश में तुरंत पेमेंट कर दिया है तब तो कोई लाइबिलिटी नहीं है ना बट अगर हमने कोई सामान खरीदा है उधार पे सामान खरीदा है कोई क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया है उसका पेमेंट हमने अभी नहीं किया है तब लाइबिलिटी अराइज करती है ना ठीक है तो आंसर क्या होगा आंसर होगा बी क्रेडिट जो उधार पे जो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी वजह से लाइबिलिटी so चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस इज टर्म्ड एज जो कंपनी का ओनर है जो प्रोपराइटर है उसने अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है कैपिटल या उसको जा, कहा जाता है कैश या रेवेन्यू या नन ऑफ द ठीक है तो बता देती हूँ जो प्रोपराइटर है जो ओनर है वो अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है उसको कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है बताइए वीडियो पॉज करके उसको कहा जाता है कैपिटल कैपिटल क्या होता है कैपिटल वो अमाउंट होता है जो प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगाता है या पार्टनर्स अपने बिजनेस में लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल और ये जो कैपिटल होता है दिस इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ये बिजनेस की लाइबिलिटी होता है ठीक है, टूवर्ड द ओनर ओनर की तरफ बिजनेस की लाइबिलिटी होता है ठीक है इसीलिए जब आगे चल के हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी तो बैलेंस शीट में आपने देखा था कि लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या शो किया जाता है लाइबिलिटी साइड में सबसे उप बैलेंस शीट है एस लिखेंगे ठीक है तो लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर हम शो करते हैं कैपिटल तो कैपिटल क्या होता है कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर अपने बिजनेस बिजनेस में लगाता है है दैट इज कॉल्ड कैपिटल और ये की क्या लाइबिलिटी टूवर्ड है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है बैंक ओवर ड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कंटीजेंट लाइबिलिटी नन ऑफ द अबव जो बैंक ओवर ड्राफ्ट है वो क्या होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कि नन ऑफ द क्या होता है बताइए तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को जिसमें बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जितना पैसा अकाउंट में नहीं है उससे ज्यादा पैसा जो कस्टमर है वो विदड्रॉ कर सकता है ठीक है यानी मतलब कस्टमर ओवरड्राफ्ट कर सकता है ठीक है अकाउंट में जितने पैसे नहीं है उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक थोड़े समय के लिए दिया जाता है फैसिलिटी और फिर उसके बाद जो भी कस्टमर है उसको इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस करने होते हैं ठीक है तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है ठीक है कस्टमर को एक थोड़े ड्यूरेशन के लिए फैसिलिटी दी गई है शॉर्ट ड्यूरेशन में ये पैसे कस्टमर को वापस करने होते हैं ठीक ठीक है 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 तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुआ दिस इज द शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म ये है. थोड़े ड्यूरेशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और एक साल के अंदर या छह महीने के अंदर जो कस्टमर है उसको ये पैसे बैंक को वापस करने होते हैं ठीक है दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट तो आंसर क्या होगा आंसर होगा ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट अस ट्रांजेक्शन कुछ आपको ट्रांजेक्शन दिए गए हैं आपको बताना है इसमें कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है सबसे पहला क्या है बॉर्ड फर्नीचर ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फॉर बिजनेस के लिए पच्चीस हजार के फर्नीचर खरीदे अगला है सैलरी पे की बीस हजार की एम्प्लॉज को नेक्स्ट है कैश विदड्रॉ किया दस हजार का फॉर पर्सनल फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर डोमेस्टिक यूज ठीक है चौथा क्या है ऑल ऑफ द अप तो बताइए इसमें कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसका आंसर है सबसे पहला क्या है बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है दूसरा है सैलरी पे की एम्प्लॉय को तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है लेकिन अगर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज डोमेस्टिक यूज तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है नो इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है ठीक है ये क्या है पर्सनल ट्रांजेक्शन है अगर कंपनी के अकाउंट से पैसा निकाला होता पर्सनल यूज के लिए तो उसको कहा जाता drawing. तो वो बिजनेस ड्रॉइंगशन होता बट यहां पे क्या है अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं ना पर्सनल यूज के लिए पर्सनल अकाउंट से पैसा निकाला है ठीक है तो इट इज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है तो आंसर क्या होगा आंसर होगा सी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन Which of the following is not a fixed asset? इसमें से कौन सा फिक्स एसेट नहीं है? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फिक्स एसेट होता क्या है? ठीक है? सबसे पहले तो ये समझते हैं ये जो वर्ड है फिक्स एसेट होता क्या है? तो फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है नॉट फॉर द रीसेल पर्पस। रीसेल रीसेल मतलब दोबारा बेचने के पर्पस से जो एसेट नहीं होल्ड किए जाते ठीक है या कह लीजिए वो एसेट जिन जिनसे प्रोडक्शन में हेल्प मिले जिनसे ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी और बढ़े ठीक है ऐसे एसे एसेट को क्या कहा जाता है फिक्स एसेट ठीक है? फिक्स एसेट क्या होते हैं फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन रीसेल के बेचने के पर्पज से ना होल्ड करे बल्कि अपनी अर्निंग कैपेसिटी को और बढ़ाने के पर्पज से होल्ड करे उन एसेट को कहा जाता है फिक्स एसेट तो अब जरा चारों ऑप्शन देख के बताइए कौन सा फिक्स एसेट नहीं है बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है और फिर अगला क्या है बैलेंस विद बैंक बैंक में जो कैश है क्या वो फिक्स एसेट है नो इट इज अ करेंट एसेट जो बैंक में जो पैसा है इट इज अ करेंट एसेट इट इज नॉट अ एसेट ठीक है ऑल ऑफ दीज ये तो होगा ही नहीं तो आंसर क्या हुआ आंसर होगा सी जो कैश है इट इज नॉट अ फिक्स एसेट बिल्डिंग फिक्स एसेट है प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है कौन सा आइटम ठीक है तो सबसे पहले तो लाइबिलिटी तो पेमेंट ऑर्गेलर एक अकाउंटिंग ईयर के बाद करना, करना, करना होता है ठीक है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ठीक है जैसे डिबेंचर्स है जनरली डिबेंचर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी इशू करती है जिसका पेमेंट कंपनी को तीन साल पांच साल सात साल बाद करना होता है तो डिबेंचर क्या है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फिर अगला क्या है टर्म लोन अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है लंबे समय के लिए तो वो भी क्या हुई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हुई इसका पेमेंट एक साल के बाद करना है ठीक है अगला क्या ऑप्शन है इसमें क्रेडिटर क्रेडिटर कौन होते हैं जिनको हमने पेमेंट किया है हमारे शायद सप्लायर जिनसे हमने रॉ मटेरियल खरीदा है क्रेडिट पे और उसका पेमेंट अभी हमने नहीं किया है तो क्रेडिटर क्या हमें एक साल से ज्यादा का समय देगा नहीं क्रेडिटर हमें एक महीने दो महीने छह महीने तक का समय दे सकता है ठीक है तो क्रेडिटर क्या है क्रेडिटर है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ठीक है तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी नहीं है तो आंसर इज ए आंसर क्या होगा आंसर होगा ए जो क्रेडिटर है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है वो क्या है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैरेक्टर इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहला क्या है सबसे पहला है परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट अगर कुछ क्रेडिट पे एसेट परचेज किए गए तो ये तो हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर कुछ एसेट कैश में परचेज किए गए तो ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है अगर प्रोपराइटर ने विड्रॉ किया है पैसा फ्रॉम इट्स बिजनेस तो इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग ठीक है क्या है ड्रॉ विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस अगर प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है बिजनेस से तो हम उसको कहते हैं ड्रॉइंग ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं ठीक है ठीके? पर यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है बताइए चौथा ऑप्शन है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज अगर इंप्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी तो क्या इसको मॉनेटरी टर्म में फाइनेंशियल टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते ठीक है ठीके? तो आंसर क्या होगा आंसर होगा डी ये जो ट्रांजेक्शन है ये पहली बात ये ट्रांजेक्शन नहीं है ये जो इवेंट है स्ट्राइक बाई एम्प्लॉई दिस इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर ये फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है स्टार्टिंग के तीनों जो ट्रांजेक्शन दिए हैं इट इज ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं परचेज रिफर्स टू द बाइंग ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगला क्वेश्चन क्या है परचेज रिफर्स टू द बाइंग ऑफ दर्चे का क्या मतलब होता है परचेज मतलब बाइंग ऑफ एसेट या बाइंग ऑफ इन्वेस्टमेंट या बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल परचेज मतलब क्या होता है तो अकाउंट्स में परचेज मतलब क्या होता है परचेज मतलब होता है जो भी गुड्स परचेज किए जा रहे हैं रीसेल के पर्पज से ठीक है या फिर कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है प्रोडक्शन के पर्पज से ठीक है वो हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ठीक है ध्यान से समझिएगा अकाउंट्स में जो परचेज अकाउंट बनाते हैं उस परचेज अकाउंट में बेसिकली हम क्या रिकॉर्ड करते हैं जो भी गुड्स परचेज किए जा रहे हैं रीसेल के पर्पज से या जो भी रॉ मटेरियल परचेज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के पर्पज से ठीक है वो होती है परचेसिंग ठीक है जो भी एसेट अगर फैक्ट्री के परचेज किए जा रहे हैं फिक्स एसेट मशीनरी खरीदी जा रही है तो दैट इज नॉट परचेजिंग अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो वो परचेजिंग नहीं होती या जो स्टेशनरी अगर फैक्ट अपने ऑफिस के लिए कुछ स्टेशनरी खरीदा है तो दैट इज नॉट परचेजिंग परचेजिंग मतलब क्या होता है रॉ मटेरियल जो खरीदे हैं या गुड्स रीसेल करने के पर्पज से जो खरीदा है दैट इज कॉल्ड परचेज ठीक है परचेज अकाउंट में वो रिकॉर्ड किया जाता है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो आंसर इसका क्या होगा मतलब मतलब क्या होता है? Purchase मतलब होता है 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 वो buying, वो यानी जो goods, जो resale के purpose से खरीदे गए हैं ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिफर्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है जो भी बिजनेस की रूटीन कोर्स ऑफ एक्टिविटी है जो भी बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है नॉर्मल बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू अर्न हो उससे जो अर्निंग हो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है ये बात समझ में आई बिजनेस की जो नॉर्मल रूटीन नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे बिजनेस को जो अर्निंग होती है उससे बिजनेस को जो रेवेन्यू अर्न होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसी को कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी है ठीक है कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी है मतलब कोई नॉर्मल कंपनी है तो वो जो गुड सेल कर रही है सामान बेच रही है या जो सर्विस रेंडर कर रही है उससे जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है उसको कहा जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है तो चलिए आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन क्या है रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दूसरा क्या है रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्टिविटी दैट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी तीसरा है बोथ चौथा है नन तो आंसर क्या होगा आंसर विल बी ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस से जो रेवेन्यू अर्न होता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज आउट ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो मैंने बताया कि जो जो इंटरप्राइज है जो फर्म्स उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एक है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कंपनीज ठीक है नॉन फाइनेंशियल और एक होती है फाइनेंशियल कंपनीज नॉन फाइनेंशियल कंपनीज यानी वो कंपनीज जो गुड्स बना के बेचती हूँ जो सर्विस रेंडर करती हूँ वो सब क्या है नॉन फाइनेंशियल कंपनी तो ऐसी कंपनी का जो रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा गुड्स बना के बेचना सर्विस रेंडर करना ठीक है नॉन फाइनेंशियल कंपनी का जो मेन अर्निंग उनकी यहां से होती है ठीक है जबकि जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है फाइनेंशियल कंपनीज यानी जो बैंक्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ठीक है, है जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी है जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनकी मेन अर्निंग कहां से होती है उनकी मेन अर्निंग होती है इंटरेस्ट से ठीक है इंटरेस्ट अर्न करती है वो उनकी मेन अर्निंग है डिविडेंड अर्न करती हैं ये इनकी मेन अर्निंग है ठीक है तो इनके लिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है इंटरेस्ट से जो अर्निंग है डिविडेंड से जो अर्निंग है ठीक है फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये मेन अर्निंग है नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए अब मेन अर्निंग कहां से होती है सर्विस रेंडर करने से प्रोडक्ट बेचने से ठीक है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचने से तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी की मेन अर्निंग यहां से होती है ठीक है अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर कोई नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो उन जो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उनका मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से आता है तो उनका जो मेन रेवेन्यू आता है क्या वो इंटरेस्ट से आता है लोन पे जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उससे आता है डिविडेंड से आता है सेल ऑफ गुड से आता है कि नन ऑफ द एबव बताइए वीडियो पॉज करिए और आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए मैंने समझा दिया है अब आप मुझे इसका तो इसका आंसर आंसर बताइए तो होगा सी सेल ऑफ गुड्स जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उनकी जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है जो मेन रेवेन्यू आता है उनके जो नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ एक्टिविटीज या जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो किससे आता है सेल ऑफ गुड्स से गुड्स बेच के इनका मेन रेवेन्यू अर्न होता है ठीक है तो आंसर है सी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरप्राइज अगर कोई फाइनेंशियल इंटरप्राइज है तो उनका मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आता है उनका मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है तो फाइनेंशियल कंपनी का मैंने अभी बताया था क्या है इंटरेस्ट या डिविडेंड जो फाइनेंशियल कंपनी है उनकी मेन अर्निंग कहां से होती है इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन ठीक है सो आंसर विल बी ए जो फाइनेंशियल कंपनी है वो कोई गुड्स नहीं सेल करती वो कोई सर्विस नहीं रेंडर करती ठीक है तो बी और सी नहीं होगा जो फाइनेंशियल कंपनी है उनकी मेन अर्निंग होती है इंटरेस्ट से ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है सबसे पहला क्या है अगर कोई गुड्स परचेज किए गए हैं क्रेडिट पे दूसरा क्या है परचेज किया है एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज तीसरा क्या है ओनर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ ओनर जो है अब उसकी गुड हेल्थ नहीं है ठीक है ओनर परचेज अ कार फॉर हिज सन तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए एसी खरीदा ठीक है ओनर की अच्छी हेल्थ नहीं है ओनर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहा ओनर ने अपने बेटे के लिए कार खरीदी ये तीनों क्या है इट इज अ पर्सनल ट्रांजेक्शन इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन इट इज अ पर्सनल थिंग्स ये क्या है पर्सनल चीजें हैं इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन ए है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट अगर कोई गुड्स परचेज किए गए हैं क्रेडिट पे तो दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन ठीक है तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था ना अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई करना तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है कि किस ट्रांजेक्शन को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और किस ट्रांजेक्शन को हम बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो तीनों अगले जो ट्रांजेक्शन है ना इनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे पहले ट्रांजेक्शन को करेंगे ठीक है तो चलिए ये था आखिरी क्वेश्चन हमारा तो इसी के साथ अब मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे ठीक है और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ठीक है तो फिर चलिए आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ध्यान रखिएगा अपने परिवार का ध्यान रखिएगा ठीक है गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर